तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मल्टी इन्फोटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मैक ओएस बिग सर के कैसे अपने मैकबुक पे इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कोई क्वेरी है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर मेंशन करें उसे, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों, बिना किसी देर की वो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप अपने बूटेबल पेन ड्राइव को लैपटॉप में कनेक्ट कर लें, और अल्ट बटन और पावर बटन एक साथ प्रेस करें, और जैसे लैपटॉप से आवाज़ आता है तो पावर बटन छोड़ दें और अल्ट बटन दबा रखें, और जैसे आपका स्क्रीन में इस टाइप का कुछ दिखेगा तो अल्ट बटन भी आपको छोड़ देना है। मेरे पास यहाँ सिर्फ एक ही सेटअप दिखा रहा है, आप में दो तीन दिखा सकता है, लेकिन आपने इंस्टॉल मैक ओएस बिग सर ही सेलेक्ट करना है और इंटर दबा देना है। तो दोस्तों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसीलिए इस पोर्शन को मैं 4x स्पीड में प्ले कर रहा हूँ। अगर इसका रियल टाइम मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो अबाउट आपका 5 मिनट ले सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों, ये सेटअप आने के बाद आपने डिस्क यूटिलिटी सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू दबा देना है। यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, आपका जो यहाँ पे जो दिखाता है आपका जो हार्ड डिस्क है, SSD हार्ड डिस्क जो भी है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है दोस्तों, जो आप ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हो, जिस ड्राइव पे आप अपना ओएस इंस्टॉल करना चाहते हो उसी ड्राइव को सिलेक्ट करें, वरना बाकी ड्राइव का। और यहाँ पे दोस्तों ये बात ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका जिस भी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे उसका डाटा टोटली इरेज हो जाएगा, तो ये बात आप पहले ध्यान में रख ले। अगर आपका इम्पोर्टेंट डाटा है तो पहले ही बैकअप कर ले, यहाँ तक आने से पहले ही। तो दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल मेरे पास इसमें दो पार्टीशन है, तो मैं ऊपर वाला मैकिंटॉश SD में ये इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो फिलहाल उसी को सेलेक्ट करके और यहाँ इरेज का ऑप्शन में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसे इरेज करना है। और इरेज करते वक्त आपने इसे APFS वॉल्यूम में ही, पार्टीशन टाइप में ही इरेज करना है। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो फॉर्मेट है इसका, मैं APFS रखूँगा, बाकी आप इसका नाम जो चाहे वो रख सकते हैं, ये पार्टीशन का नाम मैंने मैकिंटॉश SD रख दिया है। और ये एक बार कंप्लीट होने के बाद डाउन पे प्रेस कर दे और इसको एग्जिट कर दे। इस सेटअप को आप यहाँ से क्लोज कर दें, और उसके बाद यहाँ हमें इंस्टॉल मैक ओएस बिग सर सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे प्रेस करना है। इसके बाद दोस्तों कंटिन्यू दबा दें, फिर एग्री दबा दें। इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके साथ एग्री होना ज़रूरी है, एक बार आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रॉल करके, और फिर यहाँ एग्री दबा दें। मैं अपना पार्टीशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिलहाल मैं मैकिंटॉश SD में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो वो पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया मैंने। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपने जो चार्जर, अगर आपका लैपटॉप में कनेक्टेड है तो ठीक है, वरना आपका जो बैटरी सफिशेंट होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, अबाउट 1 आवर ले सकता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बैटरी का बैकअप कम है तो आप चार्जर कनेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं इस जो पोर्शन है इसको मैं फास्ट करके दिखाऊंगा, नहीं तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, तो इसीलिए मैं इसको 40x में प्ले कर रहा हूँ, ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक आपका कंज्यूम करेगा ये आपका लैपटॉप में डिपेंड करता है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है क्या है।
आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे सारे अपने आप ही सब कुछ होगा। आपको बस एक बार वो सेटअप स्टार्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, जब तक आपका वो लैंग्वेज कंट्री ये सब सेलेक्ट करने के लिए ना बोले, तब तक ऐसे ही आप इसे रहने दें, ये खुद ब खुद सारे काम कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, ये अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, और जो भी कंट्री है आप वहाँ सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे दबा दें। तो मैं फिलहाल यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप को जो लिखा है रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, इंग्लिश ही रहने दें, और कंटिन्यू दबा दें, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ भी वैसे एसेसिबिलिटी में कुछ नहीं चाहिए, नॉट नाउ बोल के आगे बढ़िए, और यहाँ नेट कनेक्ट है तो कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कंटिन्यू पे दबा दीजिए। और यहाँ भी कंटिन्यू कर दें, डाटा प्राइवेसी यहाँ नॉट नाउ कर दें, क्योंकि हमें अभी कुछ ऐसा माइग्रेट नहीं करना है डाटा, अगर आपका करना है तो देख लीजिए। यहाँ पे एप्पल आईडी बोल रहा है दोस्तों, आप बाद में कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सेटअप लेटर कर दिया और स्किप कर दिया। यहाँ पे आप एग्री कर ले, और यहाँ भी एग्री कर ले। और यहाँ पे दोस्तों आप अपना जो भी यूज़र नेम डालना चाहते हैं वो डाल लें, कोलिंग। तो मैं मैकबुक दे रहा हूँ, यहाँ भी मैकबुक, अपना पासवर्ड जो रखना है वो रख लीजिए, और उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिर से वेरीफाई कीजिए सेम पासवर्ड डाल करके। और यहाँ ऑप्शन में आप कुछ ऐसा रखिए जिससे आपका वो पासवर्ड याद हो जाए उस वर्ड को देख के, और इसके बाद कंटिन्यू प्रेस कर दें। यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू क्लिक कर दें, यहाँ भी कंटिन्यू ही क्लिक कर दें, और सेटअप लेटर ही क्लिक कर दें। यहाँ पे स्क्रीन टाइम वगैरह वो सब बहुत कुछ है, आप इसमें बाद में इसको डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ कंटिन्यू कर दें, यहाँ नॉट नाउ कर दें, इम्प्रूव सीरीज ये नॉट नाउ कर दें, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। दोस्तों आपका जिस टाइप का थीम चाहिए उसी हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे दबा दीजिए। तो इस तरह हमारा जो सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा फ्रेश क्लीन इंस्टॉल्ड विक्सर ओएस यहाँ पे डेस्कटॉप आप देख सकते हैं रेडी है। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपने मैकबुक का जो ओएस है इस तरह आप अपडेट कर सकते हैं, और मैक ओएस विक्सर को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी टाइप का वीडियो मैं आपके लिए बना के डालूँगा जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।